हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ कार्बन. पूछ रहा है 4 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे, 4 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे उतने ही एटम ऑक्सीजन के कितने ग्राम के होंगे. फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ग्राम, 4 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे, एटम की संख्या निकाल ली, 4 ग्राम एटम्स में जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स ऑक्सीजन के कितने ग्राम के होंगे. देखिए कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है. जैसे हम कह दें कि आपको रुई दे दें, रुई के आपसे कह दें पार्टिकल्स बना लीजिए, रुई के पार्टिकल हैं, और आपके पास हम दे दें लोहे के पार्टिकल्स हैं, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहें फिर भी जो मास होगा यानी कि जो वेट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, आयरन का. ठीक है, किसका ज़्यादा होगा. तो इसी प्रकार कार्बन जिसका एटमिक मास होता है 12 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन जिसका होता है 16, तो कौन भारी है, 16 ज़्यादा है, कौन भारी है, ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन में 2 लगा यानी कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 32 और ज़्यादा भारी. इसका एक पार्टिकल 32 का है, उसका एक पार्टिकल 12 का है, तो नंबर ऑफ एटम सेम रहने पर भी भारी ज़्यादा कौन होगा. तो बात समझ में आई. तो कैसे करते हैं इन सवालों को, इन सवालों करते हैं पहले इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू इसमें आप ग्राम में निकाल लेंगे. तो शुरू करें, तो पहले देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये क्या है, इसका ये है ग्राम एटमिक मास. क्या है ये, ग्राम एटमिक मास बराबर होता है किसके, 1 मोल के. ठीक है, ग्राम एटमिक मास किसके बराबर होता है, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. गिवन मास 4 है और ग्राम एटमिक मास 12 है, तो कितना हो जाएगा 0.33 मोल्स हो गया. अब नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, अब वो यही तो कह रहा है कि मोल सही लगाइए, इतने ही मोल ऑक्सीजन के यानी कि 0.33 मोल्स ऑक्सीजन के कितने ग्राम के होंगे ये निकालना है बस. तो देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम का, तो 0.33 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने के, 32 × 0.33. ठीक है, 33 × 2 = 66, तो 6 कैरी गया, 33 × 3 = 99. थर्टी टू इंटू टू करो कितना होगा, और 33 × 3 करो 99 नहीं होगा, 99 × 6 = 105, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, कितना हो जाएगा 10.56 ग्राम. है इससे ज़्यादा, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट डिफरेंट मास, एटमिक मास, बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव एटमिक मास. जो ज़्यादा भारी होगा उसके पार्टिकल्स सेम नंबर होने के बावजूद भी मास में अंतर दिखाएंगे. बस समझ में आ गई.